हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को पूरा देखने के बाद हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इंजेक्शन मोल्डिंग पार्ट वन। आज हम इसमें इंजेक्शन मोल्डिंग से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम इसमें देखते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग के बारे में क्या क्या टॉपिक है आज का हमारा इस वीडियो में। इंजेक्शन मोल्डिंग का आज हम देखेंगे डेफिनेशन क्या होता है, टाइप्स, पार्ट नेम एंड देयर वर्क, इंजेक्शन प्रोसेस, इंजेक्शन मोल्डिंग एप्लीकेशंस, इंजेक्शन यूनिट, क्लैंपिंग यूनिट। आज चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। चलिए हम सबसे पहले डिफिनेशन जानते हैं, व्हाट इज़ द इंजेक्शन मोल्डिंग। इंजेक्शन मोल्डिंग क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या है। इंजेक्शन मोल्डिंग इज ए मशीन। इंजेक्शन मोल्डिंग एक मशीन है। इट इज पर ट्रांसफर द मोल्डन प्लास्टिक इनटू द मोल्ड विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन प्रेशर एंड स्पीड। इंजेक्शन मोल्डिंग एक मशीन है जो कि ट्रांसफ़र करता है मोल्डन प्लास्टिक मोल्ड में इंजेक्शन प्रेशर और स्पीड की सहायता से। टाइप ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के कितने टाइप्स होते हैं, हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, प्लंजर टाइप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू टाइप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। टाइप्स ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग के बारे में अगले वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग क्या होता है और प्लंजर टाइप इंजेक्शन मोल्डिंग क्या होता है, रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू टाइप इंजेक्शन मोल्डिंग क्या होता है। इसमें हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग के बारे में। हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग जो होता है वो हम सब कुछ मैन्युअली करते हैं। इंजेक्शन प्रेशर, इंजेक्शन स्पीड, रॉ मटेरियल सब कुछ हम मैन्युअली डालते हैं, इसलिए इसको हम हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग कहते हैं। दूसरा जो है प्लंजर टाइप स्क्रू प्लंजर टाइप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। इसमें क्या होता है, प्लंजर के द्वारा मटेरियल को ट्रांसफ़र करते हैं मोल्ड में, इसलिए हम इसको प्लंजर टाइप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन कहते हैं। तीसरा जो है रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू टाइप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू टाइप इंजेक्शन मोल्डिंग जो आजकल हम देखने को पाते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन जो है हमारे जो भी आजकल मैक्सिमम रेसिप्रोकेटिंग इंजेक्शन मोल्डिंग यूज किया जाता है, जो स्क्रू रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू के द्वारा मटेरियल को ट्रांसफ़र करता है मोल्ड में, इसलिए इसको हम रेसिप्रोकेटिंग इंजेक्शन मोल्डिंग कहते हैं। चलिए अब हम मशीन कंपोनेंट के बारे में जानते हैं। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, उसके पार्ट के नाम कौन कौन से हैं। चलिए सबसे इंजेक्शन मोल्डिंग जो होता है वो हमारा दो भागों में डिवाइड होता है। पहला जो है इंजेक्शन यूनिट, दूसरा है क्लैंपिंग यूनिट। सबसे पहले हम इंजेक्शन यूनिट के बारे में बात करते हैं। इंजेक्शन यूनिट में होता है सबसे पहले हमारा होपर होता है जिससे हम रॉ मटेरियल फिल करते हैं, फिर हीटर आ जाता है जिससे हम बैरल को हीट करके हम रॉ मटेरियल को पिघलाते हैं, फिर बैरल आता है, बैरल का काम होता है रॉ मटेरियल को ट्रांसफ़र करना मोल्ड में, फिर रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू आ जाता है। रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू का मतलब होता है मिक्स करना, मटेरियल को मिक्स करना, पिघलाना और उसको भेजना मोल्ड तक। रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू जो होता है वो तीन भागों में डिवाइड होता है। पहला जो भाग होता है वो होता है फीड जोन, फिर उसके बाद में आता है कंप्रेसर जोन, फिर में आता है मेट्रिक जोन। फीड जोन का मतलब होता है रॉ मटेरियल को फीड करना, फिर उसके बाद में कंप्रेस करना, रॉ मटेरियल को मिक्स करना, कंप्रेस करना, इसका काम होता है कंप्रेशन जोन का। उसके बाद में आता है मेट्रिक जोन, मेट्रिक जोन का काम होता है मटेरियल को कलेक्ट करके उसको मोल्ड में भेजना, इसलिए इसको मेट्रिक जोन कहते हैं। मेट्रिक जोन के बाद में आता है हमारा नोजल, नोजल आता है राउंड रिटर्न वाला, राउंड रिटर्न वाला इसलिए लगाया जाता है ताकि हमारा मटेरियल जो है वो दोबारा पीछे स्क्रू की तरफ ना जा पाए, इसको रोकने के लिए नॉन रिटर्न वाला लगाते हैं। उसके बाद आता है नोजल, नोजल का काम होता है ट्रांसफ़र करना मटेरियल को प्रेशर को द्वारा, नोजल का काम है प्रेशर को द्वारा रॉ मटेरियल प्रेशर के द्वारा रॉ मटेरियल को मोल्ड में ट्रांसफ़र करना। उसके बाद चलिए अब हम देखते हैं क्लैंपिंग यूनिट। क्लैंपिंग यूनिट क्या होती है, पहला जो क्लैंपिंग यूनिट होता है दो प्रकार के क्लैंपिंग यूनिट होते हैं। दो प्रकार के क्लैंपिंग यूनिट कौन कौन सी होते हैं, पहला जो होता है वो होता है टोगल क्लैंपिंग यूनिट। चलिए अब हम देखते हैं टोगल क्लैंपिंग यूनिट कौन कौन सी, टोगल क्लैंपिंग यूनिट क्या होता है। टोगल क्लैंपिंग यूनिट इज मेनली यूज फॉर हाई स्पीड इंजेक्शन मोल्डिंग। टोगल क्लैंपिंग यूनिट जो है वो हाई स्पीड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के लिए यूज किया जाता है। फॉर प्रीसियस
पार्ट रैम क्लैंप इज रिकमेंडेड साइज ऑफ द मोड एंड इजेक्टर मैकेनिज्म कैन आल्सो डिसाइड इन फेवर ऑफ द टूगल क्लैंप। जो टूगल क्लैंप होता है वो हाई स्पीड के लिए यूज किया जाता है और वेयर्स फॉर प्रिसीजन पार्ट रैम क्लैंपिंग इज रिकमेंडेड साइज ऑफ द मोल्ड एंड इजेक्टर मैकेनिज्म कैन आल्सो डिसाइड इन फेवर ऑफ द टूगल क्लैंप। इजेक्टर मैकेनिज्म और मोड का जो साइज होता है वो टूगल क्लैंप के आधार पर हम डिसाइड करते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं हाइड्रोलिक क्लैंप कौन सी हाइड्रोलिक क्लैंपिंग यूनिट क्या होता है। हाइड्रोलिक क्लैंपिंग यूनिट जो होता है उसमें हम हाइड्रोलिक के द्वारा मोल्ड क्लैंप करते हैं। टूगल क्लैंपिंग यूनिट ये होता है जिसको हम खोलने पर बी शेप में हो जाता है, उसके बाद बंद होने पे स्ट्रेट शेप में हो जाता है। हाइड्रोलिक क्लैंपिंग यूनिट जो होता है एक क्लैंपिंग यूनिट एक्चुएटेड बाय द हाइड्रोलिक सिलेंडर विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द मूविंग क्लोज द मोल्ड इन द केस रैम ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम अटैच्ड टू मूविंग प्लेट। देयर आर टू वाल्व्स इन हाइड्रोलिक सिलेंडर विच इज इनलेट एंड आउटलेट ऑफ द मोल्ड। हाइड्रोलिक क्लैंपिंग यूनिट जो होता है उसमें दो वाल्व होते हैं, एक हाइड्रोलिक सिलेंडर विच इज एक्चुअली इनलेट, एक इनलेट होता है एक आउटलेट होता है। इनलेट में क्या होता है जब हम उसमें ऑयल इनलेट में ऑयल जब उसमें जाता है तो ऑयल के प्रेशर के द्वारा वो रैम आगे जाता है। रैम आगे जाने के बाद में वो मोल्ड बंद होता है। फिर जब रैम आउट होता हाइड्रोलिक ऑयल जब आउट होता है उसके बाद वो रैम पीछे आता है, उसके बाद मोल्ड खुल जाता है। यह होता है हाइड्रोलिक क्लैंपिंग यूनिट। हाइड्रोलिक क्लैंपिंग यूनिट जो होता है वो हाई कॉस्ट का होता है। उसको इसमें इसको हम इजी तो एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे मोल्ड में सेटिंग के लिए इसको आसानी से हम लॉकिंग ले सकते हैं। हाइड्रोलिक क्लैंपिंग में क्या होता है इसको दिक्कत आती है लॉकिंग लेने में। ये क्लैंपिंग यूनिट एक्चुएटेड बाय द हाइड्रोलिक सिलेंडर विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द मूविंग क्लोज प्लेट। ये हाइड्रोलिक क्लैंपिंग यूनिट जो होता है वो कनेक्ट होता है मूविंग प्लेट से, जिसको हम हाइड्रोलिक सिस्टम कहते हैं। जो तेल डालने के बाद वर्क करता है, उसके बाद तेल इन होने के बाद वो आगे जाएगा, फॉरवर्ड होगा, फिर आउट होने के बाद वो बैकवर्ड आ जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं इंजेक्शन प्रोसेस के बारे में। इंजेक्शन प्रोसेस क्या होता है? इंजेक्ट द मोल्टन मटेरियल टू द क्लोज मोड। इंजेक्शन प्रोसेस सबसे पहले क्या होता है? इंजेक्ट द मोल्टन मटेरियल इनटू ए क्लोज। सबसे पहले इंजेक्ट होता है मोल्टन मटेरियल इनटू क्लोज मोल्ड में बाय चैनल सिस्टम ऑफ द गेट। गेट एंड रनर। चैनल सिस्टम क्या होता है? स्प्रू रनर गेट को बोलते हैं हम चैनल सिस्टम। उसके बाद क्या होता है? कूल द मोल्ड होता है। मोल्ड ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद रिफिल द मटेरियल फॉर द नेक्स्ट साइकिल। फर्दर मोल्ड ठंडा होने के बाद जो मटेरियल होता है वो नेक्स्ट साइकिल के लिए चार्जिंग लेने लगता है। उसके बाद में चार्जिंग लेने के बाद लेते ही टाइम वो उधर चार्जिंग हो रहा है, इधर जो होता है इजेक्ट द प्रोडक्ट एंड क्लोज द मोल्ड फॉर नेक्स्ट साइकिल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपको जिसको भी इंजेक्शन मोल्डिंग की जानकारी चाहिए उसको ये वीडियो जरूर भेजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।